द हीलिंग ब्रश टूल के जरिए आप फोटोशॉप में अपनी फोटोज में मौजूद ब्लेमिशेस को रिमूव कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम, तो कैसे हैं मेरे दोस्त आप? मेरा नाम है शाज़ीम अली कुआन और आप देख रहे हैं जेबी टेक्निक्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि द हीलिंग ब्रश टूल क्या होता है फोटोशॉप में। वेल, बेसिकली हीलिंग ब्रश टूल के जरिए आप अपनी फोटोज में मौजूद अपनी स्किन के ऊपर ब्लेमिशेस एक्नेस को रिमूव कर सकते हैं। वेल, सम टाइम आप इसको यूज करते हैं अपनी फोटोज में जो लोगों के चेहरों के ऊपर पिंपल्स होते हैं या कुछ बाल को एडजस्ट करना होता है आप लोगों ने, तो उसके लिए आप हीलिंग ब्रश टूल को यूज करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ इसके प्रेफरेंसेस को आप किस तरह से एडजस्ट करते हैं। तो चलते हैं फोटोशॉप में और देखते हैं जी हीलिंग ब्रश टूल किस तरह से काम करता है। हाँ जी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ अडोब फोटोशॉप के अंदर और इस प्रोजेक्ट के लिए मैं इस इमेज को यूज कर रहा हूँ। इस इमेज में मौजूद ये जो रिंकल्स हैं, मैं इनको रिमूव करूंगा हीलिंग ब्रश टूल के जरिए और आपको डेमोस्ट्रेट करूंगा कि किस तरह से हीलिंग ब्रश टूल काम करता है। तो सबसे पहले जी हमें चाहिए हीलिंग ब्रश टूल। तो हम कहाँ से हीलिंग ब्रश टूल को पिक कर सकते हैं? हीलिंग ब्रश टूल को पिक करने के लिए आपको आना होगा अपने टूल बार में। जैसे ही आप टूल बार में आएंगे तो आई ड्रॉपर टूल के नीचे आपको ये कुछ डॉटेड सा एक मिलेगा आइकन। अब जैसे इस आइकन के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल मिलेगा। लेकिन इसमें से हमें चाहिए हीलिंग ब्रश टूल। तो हीलिंग ब्रश टूल को यहां सिंपली आप एन, मैंने अपनी आसानी के लिए हीलिंग ब्रश टूल का शॉर्टकट एन कर सेट कर रखा है। और अगर आप कीबोर्ड शॉर्टकट सेट करने हैं तो आप इस वीडियो में जो यहां पे शो हो रही है वहां से कीबोर्ड शॉर्टकट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, वहां से किसी भी टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं सिंपली क्लिक करूंगा हीलिंग ब्रश टूल के ऊपर, तो मेरे पास ये एक दायरा सा सर्कल सा शो होगा जो मुझे एज ए ब्रश इस हीलिंग ब्रश टूल के जरिए मैं यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप फोटोशॉप में एज अ नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करें। और नॉन डिस्ट्रक्टिव काम करने के लिए सबसे पहले आप ना लें यहां से एक न्यू लेयर। जैसे आप न्यू लेयर बनाएंगे तो उसके बाद आप अपने फोटोशॉप में एज अ काम कर सकेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिवली। नॉन डिस्ट्रक्टिवली मतलब यह है कि जब चाहे आप अपने उस लेयर को खत्म कर सकते हैं, जो एक्शन जो इफेक्ट आप लगाएंगे उन्हें रिमूव कर सकते हैं और आपकी फोटो के पिक्सल्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी, जैसे ही आप न्यू लेयर बनाएंगे तो उसके बाद हमेशा एक बात याद रखिएगा, ऊपर आइए हीलिंग ब्रश टूल की प्रॉपर्टी में और वहां से सिलेक्ट कीजिए करंट और बिलो या ऑल लेयर। अगर आपने करंट लेयर ऑन कर रखी है और आप अगर इसके जरिए कुछ काम करते हैं फोटो अपनी लेयर के ऊपर तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ जगह को सैंपल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप एक न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं और न्यू लेयर पे काम करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आप यूज न्यू लेयर पे काम कर रहे हैं और हमारे न्यू लेयर में कुछ भी नहीं है तो इसलिए हम इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कुछ पैटर्न चाहिए जो जिसको हम सबसे पहले सैंपल करेंगे और उसके साथ अपने इन रिंकल्स को रिमूव करेंगे या चेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप हमेशा यूज कीजिएगा करंट लेयर या उससे बिलो वाली लेयर से सैंपल ले लें या सिंपली ऑल लेयर, जो लेयर भी शो हो रही होगी वो वहां से सैंपल ले लेगा। तो सबसे पहले जी बात करते हैं किस तरह से यूज होता है हीलिंग ब्रश टूल को। हीलिंग ब्रश टूल को यूज करने का सबसे पहले हम बात करते हैं क्या तरीका कार है। तो सबसे पहले आप, अगर मैं यहां से कंट्रोल प्लस करके अपनी इमेज को जूम करता हूं और इस रिंकल्स के ऊपर मैं सबसे पहले कंसंट्रेट करता हूं, तो सबसे पहले मैं राइट लेफ्ट ब्रैकेट दबा के अपने इस ब्रश को छोटा कर देता हूं और उसके बाद मुझे ये वाले जो रिंकल है इसको रिमूव करना है। उसके लिए मुझे सिंपली यहां से लेना है टेक्सचर और इस टेक्सचर को इसके ऊपर प्लेस करना है। तो टेक्सचर को किस तरह से सैंपल करते हैं? टेक्सचर को सैंपल करने के लिए आपने सिंपली दबाना है अपने कीबोर्ड से आल्ट की। जैसे ही आप आल्ट दबाएंगे तो आपका ब्रश एज ए सैंपलर में चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप जहां भी क्लिक करेंगे तो वो जगह फोटोशॉप एज ए सैंपलर यूज करेगा आपके हीलिंग ब्रश टूल के लिए। अगर फर्ज के लिए मैं यहां से यूज करता हूं इस जगह को और आल्ट दबा के यहां पे क्लिक करता हूं, जैसे क्लिक करूंगा तो मैंने इस जगह को सैंपल कर लिया। अब मैं जहां पे भी ले जाऊंगा तो मुझे फोटोशॉप वही टेक्सचर देगा जो यहां पे मौजूद है। बेसिकली होता यह है हीलिंग ब्रश टूल में कि आप जिस जगह को सिलेक्ट करते हैं फोटोशॉप वहां का टेक्सचर लेता है, सिर्फ हीलिंग ब्रश टूल सिर्फ वहां का टेक्सचर लेता है और आप इस टेक्सचर को जिस जगह के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो फोटोशॉप उस जगह का कलर यूज करता है और उन दोनों को ब्लेंड करके आपको एक न्यू टेक्सचर प्रोवाइड करता है, लाइक सो। अब मैंने यहां से टेक्सचर लिया था और मैं इस रिंकल को रिमूव करना चाह रहा हूं, तो मैं सिंपली ऐसा करूंगा, मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो मेरा सैंपलर भी मेरे साथ ही ड्रैग होता जाएगा, लाइक सो, और मैं इस तरह से रिमूव कर सकूंगा रिंकल को।
लाइक ये हमारे पास बिफोर था और ये आफ्टर। अगर मैं कंट्रोल जीरो करके आपको दिखाऊं और आपको बिफोर और आफ्टर दिखाऊं, तो हमने बहुत ही आसानी से एक रिंकल को रिमूव कर लिया है। तो इस तरह से बेसिकली मेरे दोस्त आप फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं हीलिंग ब्रश टूल को, और अपनी फोटो में मौजूद ब्लेमिशेस, एक्नेस, रिंकल्स को अगर आप रिमूव करना चाह रहे हैं रियलिस्टिकली तरीके से, तो आप द हीलिंग ब्रश टूल के जरिए इसे रिमूव कर सकते हैं। अब चलते हैं जी दी हीलिंग ब्रश टूल की प्रेफरेंसेस में और देखते हैं ये किस तरह से काम करता है। सबसे पहले जी मैं क्लिक करूंगा इसके ऊपर, इस जो हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल का आइकन है, और यहां से टूल करूंगा रीसेट टूल, ताकि मैं और आप एक साथ एक जैसा काम कर सकें। उसके बाद जी हमारे पास पहला ऑप्शन है ब्रश साइज का, जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो फोटोशॉप हमें देगा एज ए डायलॉग विंडो, जिसमें से हम अपने ब्रश का साइज चूज कर सकते हैं, जितना साइज हम चाहते हैं आप अपने ब्रश का रख सकते हैं। उसके बाद फोटोशॉप हमें दे रहा है कितनी हार्डनेस हमें चाहिए अपने ब्रश की, उसके बाद कितनी स्पेसिंग हमें चाहिए यहाँ से यहाँ, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो कितनी स्पेसिंग मुझे चाहिए, तो बेसिकली ये हमें 25% दे रहा है। उसके बाद ये बात करते हैं एंगल की, ये एंगल कहाँ पे यूज होता है। अगर मैं यहाँ से कंट्रोल प्लस करके जूम इन करूँ, तो हम बेसिकली कभी कभी इस तरह काम कर रहे होते हैं आईज के नीचे, आईब्रो के नीचे, तो इस तरह हमें यहाँ पे काम करने के लिए कभी कभी इस तरह की ब्रश की जरूरत पड़ती है। तो वो आप बेसिकली यहाँ से आके इस एंगल को यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको एंगल चाहिए आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली जी इस तरह से आप अपने ब्रश का साइज चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जी हमारे पास ये क्लोन सोर्सेज हैं कि किस तरह के क्लोन सोर्सेज आप यूज करेंगे। तो बेसिकली इसमें से मैं ज्यादातर कुछ भी यूज नहीं करता, मैं यूज करता हूँ सिर्फ अगर आपके पास ये अनचेक है उसे चेक कर लें। बेसिकली होता ये, आप जब यहां से किसी सोर्स को सैंपल करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां से कंट्रोल आल्ट दबा के इसको यहां से सैंपल करूंगा, तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अगर मैं यहां से शो ओवरले करूंगा, तो मैं अगर दोबारा से यहां से आल्ट करता हूं, तो ये मुझे मेरा ओवर दिखा रहा है ओवरव्यू। आई लाइक सो, अब अगर मैं यहां से कंट्रोल करूं, स्पेस करूं, ये मुझे मेरा सोर्स बता रहा है जो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। तो बेसिकली हो हम मुझे ये एक ओवरले दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ओवरले नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ पे ओवरले दे रहा है। तो मैं अपने टेक्सचर को कहीं पे भी रख के चेक कर सकता हूँ कि अगर हाँ ये ठीक है, अगर नहीं ठीक तो दोबारा से मैं यहाँ से सैंपल कर लूंगा और सिंपली इसको रिमूव करता जाऊंगा जो मुझे रिमूव करना है। तो उससे आगे चलते हैं जी ब्लेंडिंग मोड। मैं यहां से ब्लेंडिंग मोड कभी यूज नहीं करता और आपको कभी प्रेफर नहीं करता। और अगर आपने ब्लेंडिंग मोड यूज करने हैं, तो न्यू लेयर बनाए उसके ऊपर जो आपने काम करना है, तो सिंपली इसका यहां से अगर आप ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हमें मल्टीप्लाई दे रहा है, ये हमें स्क्रीन दे रहा है। तो आप इस तरह से हमारे पास टन्स ऑफ ज्यादा इसके निस्बत ज्यादा ब्लेंडिंग मोड है, तो आप हमेशा यहां से ब्लेंडिंग मोड यूज कीजिएगा। उसके बाद जी हमारे पास है सैंपल एरिया, जो हम खुद सैंपल करते हैं, लाइक सो अगर हमने यह सैंपल किया तो हम उसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मौजूद है पैटर्न। पैटर्न में बेसिकली ये होता है आप कोई भी पैटर्न चूज करते हैं और अपनी इमेज के अंदर उसको ब्लेंड करते जाते हैं रियलिस्टिकली। तो बेसिकली ये एक ऐसी टूल है कि आप अपनी फोटो में पैटर्न को ब्लेंड कर रहे हैं, पेंट कर रहे हैं। तो मैं कुछ इससे ज्यादा यूज नहीं करता। उसके बाद जी हमारे पास है ऑप्शन अलाइंड का। अगर मैं अलाइंड को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करता हूँ और इसको यहाँ पे मैं करता जाता हूँ, तो देखिए जो मेरे पास सैंपलर है ना मेरा, वो भी मेरे साथ ही यूज हो रहा है। मैं जहां मर्जी क्लिक कर लूँ वो मेरे साथ साथ ही जाएगा, उतने ही 25% लेके मुझे देता रहेगा। लेकिन 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 अगर मैं इसको यहां से करता हूँ अनचेक अलाइंड और इसको मैं यहां से सैंपल करता हूँ, और अगर मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, तो जहां पे मर्जी मैं यूज कर लूं मेरा सैंपलर वहीं पे रहेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा, वहीं पे वो काम करता रहेगा, लाइक यहां पे जैसे वो काम कर रहा है। तो मैं ज्यादातर इसे अनचेक चेक ही रखता हूं और इसको यूज करता हूं लाइक। उसके बाद जी हमारे पास करंट एंड ब्लो है, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर आप न्यू लेयर पे यूज कर रहे हैं तो करंट और ब्लो रखिएगा, न्यू लेयर ऑल लेयर मत रखिएगा। ये एडजस्टमेंट लेयर है, इसको मैं कुछ ज्यादा यूज नहीं करता। तो बेसिकली जिस तरह से आप फोटोशॉप में मौजूद हीलिंग ब्रश टूल के जरिए अपनी फोटोज में मौजूद एक्नेश ब्लेमिशेस को डिलीट कर सकते हैं, लाइक सो अगर मैं यहां से इसको सैंपल लेके यहां से इसको खत्म करूं, यहां से इसको खत्म करूं, यहां से इसको खत्म करूं, हमेशा ये चीज याद रखिएगा, अगर आप यहां से सैंपल लेंगे और यहां पे काम करेंगे, तो ये आपको कोई खास ब्लेंडिंग नहीं देगा। हमेशा यही कोशिश कीजिएगा कि जहां से आप रिमूव करना चाह रहे हैं उसके नजदीक नजदीक से आप इसका सैंपलर लें।
यहाँ पे कुछ अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा। तो बेसिकली जी इस तरह से आप फोटोशॉप में मौजूद, ये हमारे पास बिफोर थी, ये हमारे पास आफ्टर है, ये हमारे पास बिफोर थी, ये हमारे पास आफ्टर है। हम चाहे तो इसकी ओपेसिटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लाइक बेसिकली जी बिहाइंड थ्योरी ये है हीलिंग ब्रश टूल के। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ गई होगी वीडियो, आपको समझ आ गई होगी वीडियो कि हीलिंग ब्रश टूल किस तरह से काम करता है। तो अगली वीडियो में मैं कुछ और डिस्क्राइब करूँगा आपके लिए। तो आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली थम्स अप कीजिए।